हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएम फैक्ट्स। ये है परफेक्टली टाइम फोटो जो दिखाती है कि एक बुलेट जब पानी के ड्रॉपलेट के बीच में से गुजरती है तो वो कैसे दिखती है। क्या आपको पता है एक नॉर्मल इंसान एवरेज एक साल में 50 लाख बार सांसें लेता है और दुनिया में 11% लोग अपने लेफ्ट हैंड से ही खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रही है वीडियो। ये किसी छोटी मछली के बच्चे नहीं है बल्कि इसी एडल्ट ओशन सनफिश के बच्चे हैं। फैक्ट नंबर 12, आप इस इंसिडेंट को सुनो। एक फार्मर जो गुजरात में रहता था एक दिन काम कर रहा था फार्म में, तब उसको एक सांप ने काट लिया था, तो बदले में उस फार्मर ने भी उस सांप को काट दिया और फिर दोनों की मौत हो गई। ये इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि जो चीज़ हमारे लिए खतरनाक है हम भी उसके लिए उतने ही खतरनाक होते हैं। फैक्ट नंबर 11, आपने बहुत सारी जगह के टॉप व्यू तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी माउंट एवरेस्ट का टॉप व्यू देखा है? और वो भी स्पेस से। अगर नहीं देखा तो आप इस इमेज में देख सकते हो। माउंट एवरेस्ट का टॉप व्यू स्पेस से कुछ ऐसे दिखता है। फैक्ट नंबर 10, एक बार 1999 में नासा के कंप्यूटर 21 दिनों के लिए शटडाउन हो गए थे, मगर इसके पीछे का रीज़न आपको हैरान कर देगा। ये बंदा जिसका नाम जोनाथन जेम्स था, उसने नासा के कंप्यूटर्स को 1999 में हैक कर लिया था और उसके चलते नासा 21 दिनों के लिए शटडाउन हुआ था। और उसकी एज सिर्फ 15 साल की थी। वो यहीं तक नहीं रुका और आगे चलकर पेंटागन जैसी हाईली डिफेंसिव सिस्टम को भी हैक कर लिया था। फैक्ट नंबर 9, जापान कितना डेवलप है ये सब जानते हैं, मगर इसके कुछ डार्क सीक्रेट्स भी है। जैसे जापान में 20 से 44 ईयर्स के आदमियों का सबसे ज़्यादा मौत सुसाइड की वजह से होती है। फैक्ट नंबर 8, ये तो आपको पता होगा कि कोई भी बच्चा जहाँ पैदा होता है वहाँ की उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। कंट्रीज तक तो ये ठीक था, लेकिन इस बात पर आप यकीन नहीं करोगे कि अगर कोई बच्चा मार्स पर पैदा होता है तो वो मार्स का सिटीजन बन जाएगा और उसको वापस अर्थ पर आने के लिए उसको मार्स का पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स कहाँ खाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स इस दुनिया में स्विट्ज़रलैंड में खाई जाती है और
ऑन एन एवरेज वहाँ हर इंसान हर साल 10 केजी चॉकलेट्स खाता है। फैक्ट नंबर 6, इस फोटो को देखिए, क्या आपने कभी ऐसे क्लाउड्स देखे हैं? ये नेचर का रेयरेस्ट थिंग में से एक है और इन्हें मैमेटस क्लाउड्स कहते हैं। फैक्ट नंबर 5, आपने कई बार लोगों से ये पूछा होगा कि पहले अंडा आया या मुर्गी, और ये बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन है। लेकिन आज के बाद अगर कोई भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो इस वीडियो की हेल्प से आप उनको आंसर दे पाओगे। और साइंटिस्ट ने ये ढूंढ लिया है कि पहले अंडा आया या मुर्गी, और साइंटिस्ट के हिसाब से पहले मुर्गी आई थी, और उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को भी उन्होंने दिया है, और वो ये है कि जिस प्रोटीन का अंडे का कवर बनता है उसे सिर्फ मुर्गी ही जनरेट करती है और कोई लिविंग बींग नहीं, इसलिए अंडा और मुर्गी में इसे सबसे पहले मुर्गी ही आई थी। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है नासा ने एक ऐसा परफ्यूम बनाया है जिसका नाम है योर दी स्पेस। इसका मतलब है स्मेल ऑफ स्पेस, और इस परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो वैसे ही होती है जैसे स्पेस में मौजूद होती है। फैक्ट नंबर 3, आपने स्कॉर्पियन नाम के जानवर के बारे में तो सुना ही होगा, तो ये बहुत ही यूनिक टाइप का जानवर है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक स्कॉर्पियन अपने सांस 6 दिन तक रोक सकता है, और ये ऑलमोस्ट हर तरह के सरफेस पर क्लाइंब कर सकता है या फिर चढ़ सकता है, और ये अल्ट्रा वायलेट लाइट में भी ग्लो भी करता है, और इसी रीज़न की वजह से ये एक यूनिक जानवर है। फैक्ट नंबर 2, जो हम बैटरीज को यूज़ करते हैं उसे अगर हम फ्रीज़र में स्टोर करते हैं तो उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है, मतलब सिर्फ फ्रीज़र में स्टोर करने से बैटरी की लाइफ टाइम बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 1, साइंस के हिसाब से जो लोग चीज़ें ज़्यादा भूल जाते हैं वो इंटेलिजेंट होने के एक साइन होता है, मतलब फॉरगेटफुल होना इंटेलिजेंट होने का एक साइन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।